मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स। बच्चों आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं। बच्चों आज हम लोग व्याकरण आनंद भाग एक पाठ चार लिंग पढ़ेंगे। बच्चों इसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आप लोग सभी पेज नंबर 27 निकालिए। लिंग जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। बच्चों लिंग क्या होता है? संज्ञा का वह रूप जिसे हमें स्त्री या पुरुष होने का ज्ञात होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे कि लड़का लड़की, राजा रानी, आदमी औरत। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुलिंग दूसरा स्त्रीलिंग। जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं पुलिंग, पुलिंग का अर्थ वह होता है जिसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, आदमी, राजा, बैल, ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री मतलब औरत, नाम से ही हम समझ सकते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे लड़की, औरत, रानी और गाय। ये हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए इसे हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं। बच्चों आज हमने लिंग पढ़ा। आप लोग सभी अपना व्याकरण आनंद पुस्तक में पेज नंबर 31 पहला क्वेश्चन है, आओ अभ्यास करें, कलश में लिखे शब्द पढ़ो, छाट कर सही शीर्षक के नीचे लिखो। बच्चों ये एक कलश बना हुआ है जिसमें कुछ शब्द है, उसे आपको छाट कर पुलिंग वाले शब्द पुलिंग में और स्त्रीलिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर जोड़े बनाओ, उदाहरण देखो। बच्चों इसमें आपको मैचिंग करना है। देखिए आपको एक दिया हुआ है आदमी, आदमी एक पुलिंग शब्द है और औरत उसका स्त्रीलिंग शब्द है, उसी तरीके से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखो और नाम लिखो। यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं जिसे आपको देख करके नाम लिखना है। देखिए ये आदमी कपड़े धो रहा है, इसे हम कहते हैं धोबी, और उसके साथ में कौन खड़ी है? धोबिन। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको करना है। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 4, लिंग बदलो। इधर आपको लिंग बदलना है। गाय, गाय का क्या होगा? बैल। मामा, मामी, उसी तरीके से आप लोग सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे आपको छाट करके, सही आंसर छाट करके यहाँ ब्लैंक जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, मोटी अक्षरों में लिखे शब्दों को का लिंग लिखो, उदाहरण देखो। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैक डार्क रंग से दिखा है लिखा हुआ, जैसे बंदरिया नाच रही है, तो बंदरिया क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, तो यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है, उसी तरीके से बच्चों सभी करना है। बच्चों पेज नंबर 31 और 32 के आंसर आपके वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, जिसे देख करके आपको उसे व्याकरण आनंद की पुस्तक में ही करना है, और जिसके पास पुस्तक नहीं है वो उसे रफ कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।